अशोक सिंह जी जिनको राहुल जी ने खुद चुना है आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए। अशोक सिंह जी केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये एक समाज सेवक है और इसी कारण राहुल जी ने इन्हें चुना है। सभी यहां उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हुए, आपने कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, बहुत खुशी हुई आप ग्वालियर आकर। कोई लंबी बात आपसे करनी नहीं, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि 12 तारीख को ये तंबू नहीं रहेगा, ये झंडे नहीं रहेंगे, ये पोस्टर बैनर नहीं रहेंगे, नारे बंद हो जाएंगे। 12 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप अशोक सिंह जी का तो बटन दबाएंगे, पर याद रखिएगा जो आप बटन दबाएंगे आप भविष्य का बटन दबाएंगे। और आपको तो समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, हम बात करेंगे। और शिवराज सिंह जी को चिल्ला रहे थे कल करता मां नहीं हुआ, सुनना चाहते किसका करता माफ नहीं हुआ? शिवराज जी, मैं तो इस मंच से आपको चुनौती देता हूं, आपके परिवार में किसका करता माफ हुआ? आपको चुनौती दे रहा हूं, आपके भाई का, आपके भतीजे का करता माफ हुआ? और आप इसका खंडन करिए, आप इसका खंडन करिए। ये आज 15 साल शिवराज सिंह ने झूठ बोला है, 15-20 दिन और बोल ले। मुझे शिवराज सिंह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश के किसानों का सर्टिफिकेट चाहिए, मध्य प्रदेश के किसानों का प्रमाण पत्र चाहिए। और आज मोदी जी की बात याद है, कितना बड़ा धोखा हमारे नौजवानों के साथ हुआ, कितने नारे दिए थे मोदी जी ने। ग्वालियर के नौजवान तो समझदार है, नारे याद है आपको, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितने बड़े बड़े विज्ञापन लगाते थे, याद है ना ये सब बातें? या कोई है जो डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वाला हुए? हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ मोदी जी ने कितना खिलवाड़ किया। मोदी जी तो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मोदी जी 2 करोड़ छोड़िए, मुझे 20 नाम बता दीजिए जो ग्वालियर से जिनको रोजगार मिला हो। आपने कितना बड़ा धोखा दिया मोदी जी के। धोखे की बात करते हैं, क्या क्या बोलूं मोदी जी के बारे में, अच्छे दिन आएंगे चिल्ला रहे, अच्छे दिन आ रहे हैं। मोदी जी आज नहीं बात करते, अच्छे दिन आ रहे हैं, अब तो जनता पुकार रही है मोदी जी आखिरी दिन आ रहे हैं। और मोदी जी आज नौजवान की बात नहीं करते, किसान की बात, पर आप उन्हें ठगने आओगे, आप ठग नहीं पाओगे, बड़े समझदार भी है। फिर से जो ये ठगने आ रहे हैं, आज मोदी जी ये सब बात नहीं करते, क्या क्या बात नहीं करते थे, गंगा साफ करूंगा, शिवराज सिंह चिल्लाते थे मैं नर्मदा साफ करूंगा। शिवराज सिंह ने 600 करोड़ रुपए की योजना बनाई, 600 करोड़ रुपए। मैंने कहा मैं भी देखने चाहता हूँ 600 करोड़ वृक्षारोपण की योजना होती क्या है, कितना बड़ा घोटाला। 1 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण नहीं, 600 करोड़ रुपए का घोटाला। और मोदी जी आप गंगा साफ करने निकले थे, गंगा तो साफ कर ली आपने तो बैंकों को साफ कर डाला, बैंकों को आपने साफ किया। किसकी बात करते हैं? मेरे नीचे देश सुरक्षित है, मोदी जी चिल्लाते फिरे हैं। मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ कि 5 साल पहले क्या देश असुरक्षित था, 10 साल पहले क्या देश असुरक्षित था,
मोदी जी, जब आपने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश की फौज बनाई थी, एयरफोर्स बनाई थी, नेवी बनाई थी, सैनिक स्कूल बनाए थे, और आप आज ये गुमराह कर रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं। आज तो मोदी जी, आपको देश की जनता ने पहचान लिया है, आज देश की जनता ने मोदी जी आपको पहचान लिया है, अब चौकीदार बन के आए हैं, चौकीदार बन के आए हैं। किसकी चौकीदारी आप कर रहे हैं, इसका तो जवाब दे दिए। अभी साढ़े चार महीने पहले ग्वालियर के महान लोगों ने हमारे मामा को रवाना किया था, अब तो आया है बात चौकीदार को रवाना करने का। जा रहे हैं कि ग्वालियर के विकास का एक नया इतिहास शुरू होगा, और भोपाल ग्वालियर को नहीं चलाएगा, ग्वालियर भोपाल को चलाएगा। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।